नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अभी तक पाकिस्तान के दिवालिया होने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि मदरसा मुल्क खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है, मगर अब जो खुलासा हुआ है उसने विदेश में बसे उन पाकिस्तानियों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है जिन्होंने इमरान खान के झांसे में आकर अपने खून पसीने की कमाई पाक सरकार के हवाले कर दी। इन प्रवासी पाकिस्तानियों का लगभग 11 अरब डॉलर पाकिस्तान में फंस चुका है, जिसकी वापसी की नाउम्मीदों ने उनके हाथ पांव फुला दिए हैं। इतने नहीं, जिन प्रवासी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से अपने पैसे निकालने का प्रयास किया उन्हें ना उनकी रकम वापस दी गई और न ही वापस लौटाने का कोई कारण बताया गया है, जिससे विदेश में बसे प्रवासी पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल अगस्त 2018 में इमरान खान ने सत्ता में आने के बाद मदरसा मुल्क को सूद की मंडी बना दिया है। वे आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं। उसके विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेने के कारण विकास के लिए मिलने वाले कर्ज का स्तर समाप्ति के गगार पर आ गया है, जिससे मदरसा पैदा इस पैबंद वाले तैमदों में सिपट गई है। इसके लिए इमरान खान खुद को आइडिया खान के रूप में स्थापित भी करते रहे हैं, जिसका खामियाजा विदेश में बसे उन पाकिस्तानियों को भी भुगतना पड़ा जिन्होंने नए पाकिस्तान के नाम पर इमरान की तसरीफ से तसरीफ भिड़ाकर गला फाड़ते हुए इंशाल्लाह बोला था। पाकिस्तान के फंटर सुल्तान इमरान खान ने नवंबर 2020 में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को लेकर बिलोंडे ने जाहिलों को बड़े बड़े मुलाई ख्वाब दिखाए थे। यह योजना खासतौर पर विदेश में बसे पाकिस्तानियों से डॉलर और यूरो खींचने के लिए तैयार की गई थी। इमरान खान ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के तहत निवासी पाकिस्तानियों को 3 से 5 साल की लचीली अवधि के लिए यूएस डॉलर और पाक रुपए में अपने नए प्रमाण पत्रों में बचत करने का आइडिया दिया था। अमरीकी डॉलर में निवेश करने वालों को 7% रिटर्न, जबकि प्रमाण पत्रों के लिए पाक रुपए में भुगतान करने वालों को 11% तक का रिटर्न का लालच दिया गया था। डॉलर मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्रों में न्यूनतम निवेश $5,000 तय किया गया था, जबकि 1,00,000 पाकिस्तानी रुपए का निवेश करके इस योजना में भाग लिया जा सकता था। पाकिस्तान ने इस प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए सितंबर 2020 में रोशन डिजिटल खाता योजना शुरू कर दी थी। इसके माध्यम से प्रवासी पाकिस्तानी बैंक की शाखा में आए बिना ही अपने देश में दूर से बैंक में खाता खोलने और अचल संपत्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर सकते थे। इस योजना की खास बात यही थी कि पाकिस्तान इस पर कोई टैक्स नहीं ले रहा था, साथ ही उन्हें आकर्षक ब्याज दर भी दी जा रही थी। पाक सरकार यह भी नहीं जानना चाहती थी कि उनके पास आमदनी का स्रोत क्या है, यानी यह एक चतुर्थक की स्कीम थी जिसे सरकार ने खुद लॉन्च किया था। प्रवासी पाकिस्तानी इमरान के झांसे में ऐसे आए कि उन्होंने आकर्षक ब्याज के लालच में इस योजना को हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी इमरान सरकार के हवाले कर दी। इसकी एक वजह यह भी रही कि चालू लोंडे ने जो मुल्लाई ख्वाब दिखाए थे और नया पाकिस्तान के नाम पर जो कंगूरे खड़े किए थे उसने मदरसा पैदा इसको हवाई किले बनाने के लिए प्रेरित कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस योजना के तहत पाकिस्तान को $500 मिलियन मिलने की उम्मीद थी उसे 11 अरब डॉलर का अच्छा खासा निवेश हासिल हो गया। लेकिन अब यह योजना अनिवासी पाकिस्तानियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। वह खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। नया पाकिस्तान प्रमाण पत्र योजना में 60% से ज्यादा निवेशकों ने 1 साल की अवधि के लिए निवेश किया था। इस अवधि में यूएस डॉलर जमा करने वालों को 6.75% ब्याज, जबकि पाक रुपए जमा करने वालों को 10.75% की दर से ब्याज दिया जाना था। मगर अब यह ब्याज तो छोड़िए, निवेशकों की रकम भी पाकिस्तान में फंस गई है। जिन निवेशकों ने नवंबर दिसंबर 2021 में 1 साल की अवधि के लिए प्रमाण पत्र खरीदा था, पाकिस्तान सरकार उनको रिटर्न देने में नाकाम हो गई है। विदेश में बसे पाकिस्तानी स्टेट बैंक को पाकिस्तान से लगातार अपने पैसे की वापसी की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उसके पास इतने डॉलर ही नहीं है जो वह उन्हें वक्त पर भुगतान कर सके। दरअसल 1 साल की स्कीम के तहत करीब $6 अरब पाकिस्तान में बाहरी देशों से जमा किए गए थे। यह इतनी बड़ी रकम है जिसे पाकिस्तान की चुकाने की क्षमता नहीं है। खास बात यह है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के तहत अधिकतर निवेश यूएस डॉलर में हुआ है, जिसने पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ा दी है। इमरान सरकार इस पैसे को अपना कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च कर चुकी है। ऐसे में जिन लोगों ने नया पाकिस्तान के नाम पर डॉलर जमा किए थे अब वे अपनी छाती पीट रहे हैं।
इन निवेशकों की मजबूरी यह भी है कि इनका अपना कोई संगठन नहीं है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ या अपने देश या पाकिस्तान में आकर वे आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान को लगातार मेल किए जा रहे हैं, पर इमरान खान उस धूर्त मुल्ला के अवतार में आ चुके हैं जो ऐसे वक्त में आश्वासन देने की बजाय शीर्षासन करने में व्यस्त हो जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।